कैंसर का इलाज सामान्य तौर पर तीन तरीके से होता है। पहला होता है सर्जरी या फिर ऑपरेशन के द्वारा, और दूसरा होता है दवाइयों के द्वारा जिसे हम कीमोथेरेपी भी कहते हैं, और तीसरा होता है सिकाई के द्वारा जिसे हम रेडियोथेरेपी भी कहते हैं। जब पेशेंट को कैंसर का इलाज चलता है तो उसके शरीर में कई प्रकार के बदलाव भी आते हैं जिनकी अच्छे से देखभाल करना अति आवश्यक है। उन देखभाल के बारे में अब आपको हमारी नर्स बताएगी। कुछ बातों का ध्यान हमें रखना चाहिए अगर मरीज का इलाज चल रहा है तो। पहला है आहार संबंधी, तो मरीज को ज्यादा मिर्च मसाले वाला खाना ना दे, प्रोटीन की मात्रा बढ़ा दे। प्रोटीन जैसे कि अंकुरित अनाज, सोयाबीन, अंडे, मांस, मछली। इसके अलावा मरीज को ज्यादा फाइबर वाले खाने दे। फाइबर का मतलब होता है हरी सब्जियां, फल और साबुत अनाज। इसके अलावा मरीज को ज्यादा से ज्यादा पानी पीने के लिए कहें। उसके बाद मरीज की व्यक्तिगत स्वच्छता का भी ध्यान रखें, जैसे मरीज के कपड़े हमेशा बदलते रहें, उसके नाखूनों की सफाई रखें, उसके हाथों को बार बार धोलें खाने से पहले खास करके। इसके अलावा मरीज को किसी संक्रमित व्यक्ति से दूरी बना के रखें। इसके अलावा अगर मरीज कहीं भीड़ भाड़ वाली जगह पे जा रहा है तो उसे मास्क का प्रयोग करें या फिर भीड़ भाड़ वाली जगह पे ना जाए। इसके अलावा मरीज के उपचार से भी का भी ध्यान रखें, जैसे कि मरीज ने दवाई समय पे ली है या नहीं, उसने कोई दवाई छोड़ तो नहीं ली। इसके अलावा डॉक्टर ने जो कीमो की डेट दी है उस डेट पे मरीज को अस्पताल लेकर जाए। अगर मरीज में कुछ लक्षण दिख रहे हैं जैसे कि मरीज को बुखार आ रहा है, सीने में सांस लेने में तकलीफ हो रही है, छाती में दर्द हो रहा है, तो ऐसे स्थिति में मरीज को तुरंत अस्पताल लेकर आए और डॉक्टर की सलाह माने। तो देखा आपने कैसे मुकेश ने डॉक्टर की सलाह मानी और उसे अपने जीवन में अपनाने का निर्णय लिया। तो हम आशा करते हैं कि आपको इन जानकारियों के बारे में समझ में आ